दीन के लिए अगर कोई शख्स वाकईतन काम करे तो खुद भी एक लिहाज से ऐसी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इमाम के मिशन के लिए काम तो करके देखें, फिर देखें कि जिंदगी के कितने जो मुश्किलात और परेशानियां खुद ही रफा होती चली जाएंगी आपके लिए। एक आलिम थे जो कि दरस असूल फिक जो है 300 से ज़ायद उलमा उनके दर्स में शरीक होते थे। एक मरतबा उनकी बीवी शदीद बीमार पड़ गई और इतनी बीमार हो गई कि बस लगता था कि अब उसका इंतकाल हो जाएगा। रोज बरोज सेहत गिरती जा रही थी, यहां तक कि बिल्कुल तकरीबन कोमे जैसी कैफियत के अंदर वो चली गई। वो आलिम रोते हुए आयतुल्ला अली आका काजी की खिदमत में आए और कहा कि आका मेरी कोई औलाद भी नहीं है, 37 साल का मेरा और बीवी का साथ है, हम दोनों में बहुत उनसे मोहब्बत हो गई है, एक दूसरे के बगैर रहना भी बहुत मुश्किल है, लगता है अगर ये मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, अच्छा मेरे लिए दुआ करें। अच्छा आयतुल्ला अली आका काजी की एक सीरत थी वही जो तकरीबन आयतुल्ला बहजत की तरह कि कभी भी किसी के कितने चेहरे की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। आमतौर पर जो मिलने वाले आते थे तो उन चेहरे को निगाहों को झुका लेते थे। कह रहे उन्होंने सर झुकाए झुकाए आंखों को बंद किया और एक जज्बाती अंदाज से दुआ करनी शुरू की। उस वक्त उस मौके पर आयतुल्ला सैयद अब्बास हुसैनी काशानी, जिनका भी कुछ ही अरसे पहले इंतकाल हुआ है, ये वहां पर मौजूद थे। आयतुल्ला सैयद अब्बास हुसैनी काशानी सबसे आखिरी शागिर्द जो आयतुल्ला अली आका काजी के जो अब तक जिंदा थे वो भी इंतकाल कर चुके हैं, यानी आखिरी शागिर्द को कहा जाता है। उसके बाद खैर कुछ आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबातबाई कभी इंतकाल हो गया, उसके बाद हसन जादे आमली का एक लिहाज से बस समझे आखिरी शागिर्दों में से बस ये चंद अफराद रहे और ये उस मौके पर मौजूद थे। पहले इनके मुतालिक बता दूं कि 18 साल की उम्र में आयतुल्ला अब्बास हुसैनी काशानी दर्जा इश्तिहाद तक पहुंच गए थे और तकरीबन 3 साल तक आयतुल्ला अली आका काजी की खिदमत में रहे थे और समझे उस जमाने में इतनी कम उम्र में उनकी खिदमत में वहां पर मौजूद रहना कि अक्सर उलमा भी हैरान होते थे कि बच्चा यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन उस जमाने में भी इतनी काबिलियत इनके अंदर थी। और अली आका काजी की खिदमत में रहते थे और तवक्कुल और खुदा की कजा और कदर, उसके फैसलों पर इतना ज्यादा एतमाद था कि हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना अली रजा रिजवी साहब जो कुछ अरसे पहले तशरीफ लाए थे वो खुद भी इनसे मुलाकात के लिए गए थे। आखिरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बीमार रहे थे और इसी बीमारी के आलम में इंतकाल किया था और इतने ज्यादा सालों तक बीमार रहे थे कि बाकायदा इनको अय्यूबुल उलमा भी कहा जाता है। उलमा के हजरत अय्यूब जिस एतबार से इतने अरसे तक बीमार रहे, 266 किताबें लिखी अपनी पूरी जिंदगी में, बेपनाह दीन के सिलसिले में काम किया। और खुद मौलाना अली रजा रिजवी सिर्फ फरमाते हैं कि मुझसे उन्होंने कहा मेरी सिर्फ उसके लिए एक इसलाह के लिए एक बात बताई कि इतने अरसे से मैं बीमार हूं, इतने तवील तरीन अरसे से कि अपने कमरे से बाहर भी नहीं जा सका हूं साला साल से और हरकत नहीं कर पाता हूं, तब भी एक मरतबा भी अपनी बीमारी के सिलसिले में हर्फ शिकायत मेरी जुबान पर नहीं आया। आयतुल्ला अब्बास हुसैनी काशानी फरमाते हैं मैं खुद उस मौके पर मौजूद था जब वो आलिम आयतुल्ला अली आका काजी के पास आए और अपनी बीवी की बीमारी की शिकायत की। मैंने देखा कि आयतुल्ला अली आका काजी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और कुछ देर दुआ की, उसके बाद आंखों से अपने आंसुओं को साफ किया और कहा कि जाओ, खुदा ने उसको वापस लौटा दिया। अच्छा वो आलिम ये फरमाते हैं कि अगरचे मुझे अली आका काजी की बात पर मुकम्मल एतमाद था और मुझे पता था कि हक के सिवा उनकी जुबान पर कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं अंदरूनी तौर पर परेशान था कि बीवी तकरीबन करीबुल मर्ग थी, इतनी तवील अरसे की उसकी बीमारी है और ये था कि शायद अब मैं घर जाऊं तो वो मर ही ना चुकी हूं। तो कह रहे मैं बहरहाल घर गया, घर जाकर देखा कि तकरीबन मुर्दा हालत के अंदर पड़ी हुई जो बीवी थी जिसे मैं छोड़कर गया था वो क़िबला रुख होकर बैठी हुई और क़िबला रुख होकर बैठी हुई। मैंने उससे बहुत पूछा कि तुम्हारी अचानक से तबीयत कैसे सही हो गई, तो कुछ बताने को तैयार नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा जब इसरार किया तो बीवी ने बताया कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आयतुल्ला अली आका काजी की खिदमत में गए और जिस वक्त मेरी रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर चुकी थी, वो खुद कह रही है कि मैं मर चुकी थी, मेरी रूह निकलकर जब चौथे आसमान पर पहुंची तो एक गैबी सदा मुझे सुनाई दी
कि सैयद अली आका काजी की दुआ के एहतराम में इसकी रूह को वापस पलटा दिया जाए। आयतुल्लाह अब्बास हुसैनी काशानी उस वाक़े के ऐनी शाहिदीन के अंदर से, उन्होंने इस वाक़े को अपने एक इंटरव्यू के अंदर पूरा नकल किया था इंतकाल से पहले। तो देखिए, ये हैं आलिम दीन, इनकी दुआ का एहतराम भी होता है, इनकी इल्म इबादत तकवे और इमाम ज़माना की इताअत और पैरवी से इनको जो मकाम हासिल हुआ है, उनके मिशन के कामों के सिलसिले में हासिल हुआ है, तो उससे इंसान मुस्तजाबुद दावत भी हो जाता है। यानी एक दफ़ा इंसान उनके मिशन के लिए काम करना शुरू करे, इमाम के लिए काम करना शुरू करे, इमाम को राजी व खुशनूद कर ले, तो कितनी चीज़ें उसके साहिब करामत उसको बना देती हैं। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।